तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो ये वीडियो स्पेशली होने वाली है फ्री फायर के प्रॉब्लम्स के ऊपर। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, अगर आप सभी के साथ फ्री फायर में लॉगिन फेल्ड का प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि आपका फेसबुक का अकाउंट फ्री फायर में लॉगिन नहीं हो रहा है, या फिर आपके साथ नेटवर्क कनेक्शन इरर का प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि आप गेम को ओपन कर रहे हो तो वहां पर लिखा हुआ आ रहा है नेटवर्क कनेक्शन इरर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के साथ डाउनलोड फाइल रिट्राई का प्रॉब्लम हो। तो अगर तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों के साथ हो रहा है तो बस इस वीडियो को देखते रहो। इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ ये प्रॉब्लम क्यों होते हैं और आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, और अगर आप हमारे चैनल पर नया रहे हो तो पहले वीडियो को लाइक कर दो, फ्री फायर के ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो चलो अभी हम सबसे पहले ये जानते हैं कि डाउनलोड फाइल रिट्राई का प्रॉब्लम क्यों होता है। तो ये प्रॉब्लम होता है इंटरनेट की वजह से, यानी कि अगर आपके फोन में इंटरनेट ऑन नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके फोन में इंटरनेट नहीं चल रहा, तब आप वैसे टाइम में फ्री फायर या फ्री फायर मैक्स को ओपन करोगे तो वहां पर लिखा हुआ आता है डाउनलोड फाइल रिट्राई, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके फोन में इंटरनेट चल रहा है लेकिन गेम तक नहीं पहुंच पा रहा, तो वैसे केस में भी आपके सामने इरर आएगा डाउनलोड फाइल रिट्राई का। और अगर आपके साथ नेटवर्क कनेक्शन इरर का प्रॉब्लम हो रहा है तो ये होता है फ्री फायर के सर्वर के वजह से, यानी कि फ्री फायर के साइड से कुछ प्रॉब्लम होता है, और ये प्रॉब्लम कुछ घंटों के लिए होता है, कुछ टाइम के लिए होता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये सभी के साथ होता है, मतलब आप जो सिम कार्ड यूज कर रहे हो सकता है सिर्फ उसी सिम कार्ड में ये प्रॉब्लम कर रहा हो। अब हम जानते हैं अगर आपके साथ फेसबुक अकाउंट लॉगिन प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि फ्री फायर में आईडी लॉगिन नहीं हो रहा, लॉगिन फेल्ड हो जा रहा है, तो ये किसके वजह से होता है। तो ये भी सर्वर के वजह से ही होता है और ये फ्री फायर के साइड से ही होता है। तो अभी आप सभी को मैंने बता दिया इन तीनों प्रॉब्लम्स के रीजंस को, अब आपको मैं बताता हूं इनके सॉल्यूशन को। तो सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बस आप वीडियो को ध्यान से देखो। अभी हम सबसे पहले जानते हैं डाउनलोड फाइल रिट्राई हो रहा है तब आपको क्या करना है। तब आपको सबसे पहले तो चेक करना है आपके फोन में इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो इसके लिए आप चाहो तो यूट्यूब पे कोई वीडियो वगैरह प्ले करके देख सकते हो। तो अभी मेरे ख्याल से आपके फोन में इंटरनेट तो चल ही रहा होगा, तभी जाके आप मेरा वीडियो देख रहे हो। तो आपको चेक कर लेना है इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब जैसे कि मान लो आपके फोन में इंटरनेट नहीं चल रहा, तो इसको तो आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। ये फ्री फायर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके फोन में हो सकता है रिचार्ज ना हो, सिम कार्ड ही ना लगा हो, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो आप पहले उसे सॉल्व करो, ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपके फोन में इंटरनेट चल रहा है, सही से चल रहा है, अच्छा स्पीड दे रहा है, तब आपको क्या करना है। तब आपको सिंपली फोन के होम स्क्रीन पे आना है, यहाँ पर फ्री फायर मैक्स जिसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है उसका नेटवर्क परमिशन चेक कर लेना, यानी कि उसमें इंटरनेट जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो इसके लिए लॉन्ग प्रेस करना, फिर यहाँ पर आएगा ऐप इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन, और उसके बाद इसके अंदर जाना, यहाँ पर आपको मिल जाएगा नेटवर्क परमिशन, यानी कि डेटा यूज, आपके फोन ने कितना डेटा ये यूज कर रहा है। और यहाँ पर आप देखो नीचे में इसका परमिशन भी दिया हुआ है, इसको डिसेबल करना है या सिर्फ वाईफाई से चलना चाहिए गेम, या फिर मोबाइल डेटा से चलना चाहिए, तो यह सब सेटिंग आपके फोन में भी होगा। तो अगर आपके साथ डाउनलोड फाइल रिट्राई का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक बार चेक कर लेना कि फ्री फायर को आपके फोन से नेटवर्क परमिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अब हम जानते हैं इन तीनों प्रॉब्लम का फाइनल सॉल्यूशन। अभी आपको मैं सभी का सॉल्यूशन एक ही बार बताने वाला हूं, सिर्फ एक सॉल्यूशन बताने वाला हूं जो कि ये तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। आपको आना है प्ले स्टोर पे, यहां पर आपको सर्च करना है क्विक वीपीएन, और आपको सिंपली इसे इंस्टॉल करना है अपने फोन में। और अभी इसको मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो आप इसको सिंपली ओपन करो, कुछ परमिशन लेगा, तो आपको इसे परमिशन दे देना है, और इसमें से आप किसी भी सर्वर में ऐसे करके इसे कनेक्ट कर लेना। और जैसे आपके फोन से कनेक्ट हो जाएगा, ऊपर में लिखा हुआ भी आएगा वीपीएन, तो जैसे ये कनेक्ट होता है आपको आना अपने फोन के होम स्क्रीन पे, यहाँ पर फ्री फायर मैक्स, फ्री फायर जिसमें भी कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है इन तीनों में से, आप इसको लॉन्ग प्रेस करो, यहाँ पर आ जाएगा ऐप इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर चले जाना और इसको कर देना फोर स्टॉप, और यहाँ पर स्टोरेज में जाके क्लियर कैश, और उसके बाद जाके आपको ओपन करना है गेम को। और ऐसे में अगर आपके साथ लॉगिन का प्रॉब्लम हो रहा है तो वो भी सॉल्व हो जाएगा, अगर आपके साथ नेटवर्क कनेक्शन इरर हो रहा है तो वो भी सॉल्व हो जाएगा, और अगर आपके साथ डाउनलोड फाइल रिट्राई हो रहा है तो वो तो इंटरनेट की वजह से होता है, जिसका सॉल्यूशन आपको मैं पहले बता दिया। और अगर वैसे में भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हो। और ऐसे में क्या होता है कि सर्वर जो है वो चेंज हो जाता है, आपका जो नेटवर्क है वो चेंज हो जाएगा, चाहे आप कोई भी सिम कार्ड यूज करो, तो इसलिए वीपीएन को यूज करना चाहिए। तो बस आपको यही ट्रिक अप्लाई करना है, उसके बाद फ्री फायर ओपन करके देखना, ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। और बहुत सारे बंदे बोलते हैं यार कि वीपीएन कनेक्ट करने से फ्री फायर का आईडी बैन हो जाता है, तो वैसा तभी होता है जब आप कोई थर्ड पार्टी वीपीएन यूज करते हो, यानी कि ऐसा वीपीएन जो प्ले स्टोर में नहीं है, तब जाके आपका आईडी बैन होता है। तो जो भी वीपीएन प्ले स्टोर में है उसको अगर आप डाउनलोड करोगे, कनेक्ट करोगे, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका आईडी बैन नहीं होगा। और जैसे कि मान लो ये सब करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, तो फिर ये फ्री फायर का ही प्रॉब्लम है, यानी कि कुछ समय के लिए फ्री फायर में ऐसे इरर वगैरह तो आते ही रहते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली भी सॉल्व होता है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, आप थोड़ा सा वेट करो। अभी आप सभी को मैंने बता दिया ये प्रॉब्लम क्यों होता है, इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो कमेंट करके जरूर बताना, और भी ऐसे फ्री फायर के इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।